कहाँ से हो आप? मैं ओरिजिनली कश्मीर से हूँ। क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं मोटरसाइकिलिंग टूरिंग का काम करता हूँ। ओके, लोगों को मोटरसाइकिल टूर्स पे ले जाता हूँ, हिमाचल में, लद्दाख में, बाकी इंडिया में। आपकी उसका नाम बताएंगे? कर्मयात्री। हमारी वेबसाइट है www.karmayatri.com। अच्छा, और उस पर हमारा ईमेल एड्रेस भी है hashim@karmayatri.com। तो व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर। ओके, कुछ गाइड कीजिए, जो जैसे बाहर से आते हैं, सपोज हिमाचल से लोग आ रहे हैं, तो उनको कहाँ जाना चाहिए, कितनी जगह यहाँ पे देखने वाली है? यहाँ तो जो पॉपुलर टूरिस्ट सर्किट रहता है तो वो नुब्रा वैली है। नुब्रा वैली में गुंदर, पनामे, एक सुमूर। ओके, फिर पिछले सालों में कुछ नई जगहें खुली हैं जैसे टुटुक, ठीक है, वो भी बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, फिर आप आते हैं यहाँ की पैंगोंग साइड में है। ठीक है, तो पैंगोंग से या तो आदमी सोमुरेरी भी जा सकता है या अलग रूप से हैं जहाँ से आदमी सोमुरेरी जा सकता है। ओके, ओके। तो यहाँ जो लद्दाख के ग्रेट लेक्स माने जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, ओके, वो है सोकर, सोमुरेरी और पैंगोंग सो। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल जगह हैं, काफ़ी एकांत हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये हो गई है, जब से वो थ्री इडियट्स की पिक्चर हो गई, अभी पैंगोंग में मेला हो गया। अच्छा, जैसे आपको याद होता होगा कि रोहतांग में एक जमाने में पूरा मेला ही मेला रहता था। ठीक है, तो पैंगोंग बिल्कुल वैसा हो गया। ओके, तो वो सही। कुछ आप प्रिकॉशंस बता रहे थे मुझे अभी, वो बताएंगे प्लीज? मेन चीज़ है कि हम जैसे आते हैं, जिस बाय रोड आते हैं या बाय फ्लाइट आते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम हिमाचल से भी रहे हैं या और किसी हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ी इलाके से भी रहे हैं, ओके, आप सीधा यहाँ 3,300 meters पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी के लिए थोड़ा शॉक जैसा हो जाता है। ओके, और अगर आप लेह लद्दाख में ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं तो तकरीबन उसके बाद आप सिर्फ 3,000 meters के ऊपर ऊंचाई पे रहते हैं। ठीक है, तो इसका मेन एक प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जो पहला दिन आपका लेह में होता है, ठीक है, उसमें जितना आप रेस्ट कर सको, ठीक है, रेस्ट कीजिए, लाइट एक्सरसाइज, लाइट वॉकिंग, ज़्यादा सोना भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आदमी बहुत ज़्यादा सो जाता है या नींद आती है, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस, इनिशियल ऑल्टीट्यूड सिकनेस। पानी, आपको जितना आप पानी पी सकते हो वो पीना चाहिए, और अगर आपकी आदत है कि 2 liters पी रहे हो आप किसी जगह, यहाँ जाके आपको 4 liters पीना चाहिए मिनिमम। ठीक है, जो ORS रहता है अगर पानी के बॉटल में आप मिक्स कर देते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है उसके साथ, और डिहाइड्रेशन जैसी नहीं होती है। ओके, फिर एक नेचुरल रेमेडी होती है गार्लिक, गार्लिक खून को पतला बना देता है। ठीक है, और मेन ऑल्टीट्यूड सिकनेस में ये हो जाता है कि खून जो है मोटा हो जाता है प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन फ्लो आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में होना चाहिए, ठीक है, वो ठीक से नहीं होता। ओके, तो अगर आप गार्लिक खाते रहते हो कि दिन में 3-4 times एक क्लोव खा लिया कच्चा गार्लिक, ओके, या अगर खाना भी खा रहे हो तो कुक को बोलो कि ज़्यादा गार्लिक डाल के पीजिए। ठीक है, और एक सिंपल सी रेमेडी रहती है जिसमें डबल चीज़ हो जाती है कि अगर आप पानी की बोतल में, ओके, 4-5 गार्लिक के क्लोव्स डाल दोगे कच्चे गार्लिक के, ठीक है, तो आप पानी भी पीते रहोगे दिन भर, ओके, और वो गार्लिक इनटेक होती रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।